दोस्तों, कि आप भी अपने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी सेटिंग करना चाहते हो। मान लो कि आप अपने इंस्टाग्राम में किसी भी रील्स वीडियो की स्टोरी जो है वो लगाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि उस रील्स वीडियो का बटन मार्क और वहां पर जो है वो उस बंदे की आईडी शो ना हो जिस बंदे की मैं रील्स वीडियो की जो है वो स्टोरी लगा रहा हूं। जैसे कि मैं यहां पर जो है वो किसी भी रील्स वीडियो की स्टोरी लगा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं यहां पर जो है वो मुझे रील्स वाला लोगो जो है वो दिखाई ना दे और ना नीचे वाला जो है वो नाम दिखाई दे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहां पर आप कोई भी टेक्स्ट कर जो है वो उसे डिलीट करके डबल टैप करके यहां पर से जो है ये लोगो और यहां पर जो है वो नीचे वाला नाम जो है वो गायब हो जाएगा। मैं आपको ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक जो है वो 100% वर्किंग है, तो आपने एक बार जरूर से ट्राई करके देखनी है। तो आपको करना क्या होगा, मान लो कि ये रील्स वीडियो जो है वो अपनी आप स्टोरी में लगाना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस रील्स वीडियो को जो है वो बटन मार्क और वहां पर जो है वो नाम शो ना हो, तो आपने करना क्या है, आपको शेयर वाले बटन के नीचे ही जो है वो थ्री डॉट दिख रहे होंगे, तो आपने थ्री डॉट पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपने कर लेना है कॉपी लिंक। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो आपने कॉपी लिंक कर लेना है और उसके बाद में जो है वो आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में आपने करना क्या है, आपने जो है वो गूगल वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने हैं। जैसे ही आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपने जो है यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर, तो आपने ये लिखकर जो है वो सर्च कर देना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड। तो आपने ये लिखकर सर्च करने के बाद में जैसे आप इसे ओपन करोगे, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ जो है वो एक ऑप्शन शो हो रहा होगा डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो फोटोज, यहाँ पर जो है वो एंड रील्स लिखकर आ रहा होगा, तो आपने दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे दोस्तों आप दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में होगा क्या, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने जिस भी रील्स वीडियो का लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पर जो है वो आपने पेस्ट कर देना है, आपने लॉन्ग प्रेस करके रख देना है और उसके बाद में पेस्ट कर देने। जैसे ही आप पेस्ट कर दोगे, उसके बाद में आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। उसके बाद में होगा क्या, जिस भी रील्स वीडियो का आपने जो है वो लिंक कॉपी किया था वो रील्स आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी और उसके नीचे ही लिखा होगा डाउनलोड MP4। तो आपने करना क्या है, आपको रील्स शो हो रही होगी और उसके नीचे लिखा होगा डाउनलोड MP4, तो आपने वहां पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे आप वहां पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको फिर से जो है वो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपने फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। जैसे आप फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में होगा क्या, जो आपने रील्स का जो है वो लिंक कॉपी किया था वो आपकी रील्स जो है वो बिना बटन मार्क के आपकी गैलरी में जो है वो सेव हो गई होगी। जैसे कि आपको मैं प्ले करके भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं इन्हें इस रील्स वीडियो का ही जो है वो लिंक को कॉपी किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस रील्स वीडियो को जो है यहाँ पर बटन मार्क भी नहीं आ रहा और नीचे की तरफ जो है वो आईडी भी शो नहीं हो रही, नाम भी शो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ऐसे आप जो है वो किसी भी रील्स वीडियो को जो है वो बटन मार्क भी हटा सकते हो और नीचे की तरफ जो अगर जो कोई नाम शो हो रहा है तो आप उसे भी हटा सकते हो और अपनी स्टोरी में लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।